हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सीरीज लर्न गिटार इन 12 वीक्स। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और कमेंट्स में पूछ भी रहे हैं कि क्या हम सही में गिटार को 12 वीक्स में सीख सकते हैं, तो इसका आंसर मैं कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि क्या हम मैथमेटिक्स कुछ समय में सीख सकते हैं, या फिर 12 वीक्स में सीख सकते हैं, या 12 मंथ में सीख सकते हैं, या 12 साल में सीख सकते हैं क्या, राइट? अगर ये क्वेश्चन हो तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। हम लोग कितना भी सीख सकते हैं, मतलब 12 साल तो सिर्फ 12th पास करते हो आप, उसके बाद आप मैथ्स को और ज़्यादा पढ़ते हो, उसमें PhD कर सकते हो, एंड लाइफ लॉन्ग स्टडी हो सकती है मैथ्स की, राइट? बट एक जस्ट आपको समझ आ जाए कि मैथ्स है क्या, मैथ्स नंबर्स हैं, उसमें बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसको ऐड करना पड़ता है, उसमें सब्सट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत इजी नंबर्स के साथ आप ये सारी चीज़ें करना सीख सकते हो कम समय में, राइट? तो वैसे ही गिटार में है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं गिटार में, ऐसी चीज़ें भी हैं जो मुझे नहीं आती हैं, जो मैं खुद सीख रहा हूँ अभी मैं, बट स्टिल टाइटल है लर्न गिटार इन 12 वीक्स, क्लिक बेट है आपके लिए ताकि आप इसको सीखो। पर सच्चाई ये है कि हम गिटार कभी सीख नहीं सकते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, राइट? पर यस, 12 वीक्स में आप इतना गिटार सीख जाओगे कि आपको उसके सारे बेसिक समझ में आ जाएंगे कि आखिर गिटार है क्या। एक बिगनर जिसने कभी गिटार पकड़ा नहीं है, फॉर एग्जांपल आरती, इसको कुछ पता ही नहीं है कि गिटार होता क्या है। बचपन से देखा तो है, सभी के पास गिटार है, राइट? बट पता नहीं है कि गिटार प्ले कैसे करते हैं, एग्जैक्टली होता क्या, मैकेनिज्म क्या है, वह सारी चीज़ें आप 12 वीक्स में सीख जाते हो, ओके? इस कोर्स के थ्रू आप सीख जाओगे, एंड उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आगे की चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या ले सकते हैं और कैसे खुद को और ज़्यादा स्किल कर सकते हैं, ओके? तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और एक चीज़, ये लेसन काफ़ी समय बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आरती की तबीयत ख़राब हो गई थी, एंड देन बीच में मेरे एक फ्रेंड का की शादी हो गई थी, तो बहुत ट्रैवलिंग में टाइम चले गया, एंड इसलिए ये टाइम ज़्यादा लगा, सो सॉरी फॉर दैट। पर क्वेश्चन सबसे पहले है आरती से कि क्या उसे समय हुआ प्रैक्टिस का, इतना ज़्यादा समय मिला बीच में? लास्ट मुझे लगता है ये 2 वीक बाद हम कर रहे हैं या उससे ज़्यादा, आई गेस, पर समय हुआ प्रैक्टिस का, या आप वही बीमारी में लेटे रहे नहीं हो पाया, कैसा रहा? नहीं, मैं प्रैक्टिस कर पाए हैं, ओके। कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमें एक टाइम तो बनाना ही पड़ेगा। आप एक टाइम बनाओ और उसको रिलीजियसली फॉलो करो, राइट? कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को एटलीस्ट 10 मिनट्स आप उसमें एक्सरसाइजेस प्ले कर सकते हो, या फिर जो सॉन्ग्स हमने सीखे हैं उसे 10 to 15 मिनट्स प्ले करो, एक टाइम बना लो एंड उसे रिलीजियसली फॉलो करो। उसके अलावा जितना भी प्रैक्टिस करोगे वह बोनस हो सकता है हमारे लिए, पर कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके? तो रिवाइज करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग कॉर्ड्स की बात कर रहे थे मुझे लगता है, एंड 3 कॉर्ड्स पर फोकस रहने के लिए मैंने कहा था, E minor, G major और D major, ऐसा कहा था? नहीं कहा था, ओके। तो क्या हमने प्रैक्टिस किया है, कॉर्ड्स प्रैक्टिस किए हैं, ओके, सारे कॉर्ड्स प्रैक्टिस किए हैं, मुझे प्ले करके दिखाओ, एंड साथ में उसका नाम भी बोलना अगर याद है तो। यस, ये है ई, क्या है ये, ई माइनर, करेक्ट, ये ई माइनर है, प्ले करते हैं, नाइस। नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा प्रैक्टिस किया, ओके, इसका नाम डी मेजर, नहीं, जी मेजर, ओके, यस, कोई बात नहीं, फिर से थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करो, वार्म अप करो इसके साथ, अगेन, कोई बात नहीं, बार बार प्ले करते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये साफ आए, यस, नाइस, nice.
यस, थोड़ा थोड़ा समय और देंगे इसी में। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड डी मेजर याद है? यस। ओके, ओपन क्लोज। यस, ओपन क्लोज। यस, ठीक है, चलेगा। ये तीन कॉर्ड्स में ज्यादा फोकस्ड रहना है, ई माइनर, जी मेजर और डी मेजर। ये समझ में आया? ओके, इन तीन कॉर्ड्स पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे क्योंकि हम अब एक सॉन्ग स्टार्ट करेंगे कॉर्ड्स कॉर्ड्स को यूज करके। ठीक है, मैं प्ले करके बताता हूँ, देखते हैं। मेरे लेफ्ट हैंड को देखना, ठीक है, ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर, राइट। चेक करते हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड पे अगर ध्यान दें ज्यादा, बडी यू आर अ बॉय मेक अ बिग नॉइस प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स गोना बी अ बिग मैन समडे यू गॉट मड ऑन योर फेस यू बिग डिसग्रेस किकिंग योर कैन ऑल ओवर द प्लेस सिंगिंग ये जब मैंने प्ले किया तो लेफ्ट हैंड को देखा, वो कैसे ई से डी पे शिफ्ट कर रहा था, ई से जी में शिफ्ट कर रहा था। इसको आप कहते हो कॉर्ड शिफ्टिंग। कॉर्ड शिफ्टिंग का मतलब समझ में आया कि मैं एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पर जा सकूं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे शुरुआत में हम लोग जब अल्फाबेट्स लिखना सीखते हैं तो ई लिखना सीखा, उसके बाद जी लिखना सीखा इंडिविजुअली, अब दोनों को कंबाइन करना सीख रहे हैं। समझ में आया कि दोनों को साथ में लिख सकें तभी तो एक वर्ड बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो ई और जी ही नहीं लिख पाते हैं कंफर्टेबली, जब फाइनली ई और जी लिखना सीख लिया, अब दोनों को साथ में लिखना सीख रहे हो कि साथ में कैसे लिखें। ये एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ। राइट, तो वैसे ही यहाँ पे इस सॉन्ग में जो कॉम्बिनेशंस यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं ई और जी के और ई और डी के। इसमें हम जी और डी का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे अभी क्योंकि वो इस सॉन्ग में है नहीं, ठीक है। जी और डी यूज नहीं हो रहा है तो ना ही हम उसे सीखेंगे अभी, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। जितना इस सॉन्ग में रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही हम कर रहे हैं। ओके, पर ऐसा नहीं है कि वो कभी यूज ही नहीं होगा, होगा। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे अल्फाबेट्स के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बट हमें अगर लिखना है कैट, CAT, तो आप सी और ए को लिखना सीखोगे साथ में और ए और टी को साथ में लिखना सीखेंगे, तो CAT बहुत इजीली लिख लेंगे। ये समझ में आया? ओके, तो देखते हैं कॉर्ड शिफ्टिंग कैसे प्रैक्टिस करते हैं। डाउन स्ट्रोक दोगे ई माइनर पे एंड डाउन स्ट्रोक देंगे जी मेजर पे। मुझे लगता है शायद से लास्ट क्लास में हमने सीखा है, बट अगर नहीं सीखा है तो फिर से रिपीट करते हैं। ई माइनर याद आ रहा है? ये सीखा था। जी मेजर आ गया? नहीं। ओके, नहीं आया। ओके, तो शायद से नहीं सीखा है। ई माइनर एंड जी मेजर, राइट। अभी हमको वन बाय वन प्लग करना है स्ट्रिंग्स को,
ताकि आवाज सुनाई दे कौन सी आवाज साफ है कौन सी नहीं है, यू नो। देन यह तो इजी है, स्पीड में डाउन स्ट्रोक देना आसान है, ठीक है। आपको चेक करना है ई माइनर, जी मेजर, बैक टू ई माइनर, जी मेजर। एक चीज देखेंगे कि इंडेक्स मेरी वहीं पर है, इंडेक्स जब मैं जी पर जा रहा हूं तो इंडेक्स वहीं पर है, यू नो। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करेगा हमें। तो इंडेक्स के बाद मिडिल रखेंगे टॉप स्ट्रिंग पे एंड देन रिंग रखेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ई माइनर एंड जी मेजर, ई माइनर एंड जी मेजर। यह समझ में आया? तो ये है पहला शिफ्टिंग ई माइनर से जी मेजर का। इसके बाद जो हम सीखेंगे वो है ई माइनर और डी मेजर के बीच शिफ्टिंग। ओके, कैसे करोगे? अगेन ई माइनर डाउन स्ट्रोक, डी मेजर डाउन स्ट्रोक। शुरुआत में बहुत धीरे होने वाला है ये आपसे, ठीक है। शुरू में कैसे करोगे? एक एक करके फिंगर्स रखोगे, समय लगेगा बहुत, यू नो, पर कोई बात नहीं, वो टाइम देना है। ओके, ई माइनर एंड डी मेजर, ई माइनर एंड डी मेजर। ये समझ में आया? ठीक है, कब तक इसे प्रैक्टिस करते हैं? जब तक हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो गिटार उठाना है, ई और जी प्रैक्टिस करना है बार बार, ई और जी। ओके, ई और जी से स्टार्ट करेंगे, ट्राई करते हैं। यस, चेंज जी, यस चेंज ई माइनर, चेंज जी मेजर, बैक टू ई माइनर। ये पेन हो रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। अगर पेन हो तो बीच में रेस्ट ले सकते हैं। यस, ओके, ट्राई करते हैं फिर से ई माइनर। Change G major, yes, again E minor, change G major, yes, करते जाएंगे। ओके, रुकेंगे। ये समझ में आया? इसे कॉर्ड शिफ्टिंग कहते हैं और कॉर्ड शिफ्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स लिखने सीखे, अब उनको हम कॉम्बिनेशंस बनाना सीखते हैं, तभी तो आप उन्हें यूज़ कर पाओगे वर्ड बनाने के लिए। समझ में आया? तो ये कॉम्बिनेशंस, आप जितने भी कॉर्ड्स सीखोगे उन कॉर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, यू नो, बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, तो उन कॉर्ड्स को आप कंबाइन करते हो। जैसे यहाँ पर हम ई के साथ जी प्ले कर रहे हैं, ई के साथ डी प्ले कर रहे हैं, कोई गाना आएगा जहाँ पर जी के बाद डी होगा या डी के बाद जी होगा, यू नो। जैसे ई माइनर देखो, डी मेजर, पानी दा मेजर, तो दिखा वो ई माइनर और डी मेजर को यूज किया हुआ है, ठीक है। हम बेवफा हरगिज ना जी मेजर, तो यहां पे डी के बाद हमने जी मेजर को यूज किया है। ये समझ में आया? ठीक है, भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों, तो ई माइनर के बाद जी मेजर यूज किया है ना। अभी तो ये क्योंकि हम सिर्फ तीन कॉर्ड्स पे फोकस्ड हैं, इसलिए ये एग्जांपल्स मैंने दिए,
बाकी जितने भी कॉर्ड्स होंगे सबके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. अगेन अल्फाबेट्स का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना, कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. ए के बाद बी लिखना सीखना पड़ता है हमें, क्योंकि कोई वर्ड आ सकता है जिसमें ए के बाद बी आ रहा हो, यू नो, कोई वर्ड आ सकता है जिसमें बी के बाद ई आ रहा हो. तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी सीखनी पड़ती हैं. वैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन सीखने हैं आपको, समझ आया, यानी कि जितने भी नए कॉर्ड सीखोगे उनको एक दूसरे के साथ फिर शिफ्ट करके देखना है. इसको कहते हैं कॉर्ड शिफ्टिंग, ठीक है. तो शुरू करना है कॉर्ड शिफ्टिंग ई से जी और ई से डी सीखने से, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉर्ड्स आएंगे एंड कॉर्ड शिफ्टिंग्स होंगे, क्या स्टार्ट करोगे, राइट. तो इससे स्टार्ट करोगे, ई माइनर, जी मेजर एंड देन ई माइनर और डी मेजर. ई माइनर डी मेजर होमवर्क है, मुझे लगता है ये कर लेंगे घर पे, राइट, ई और डी मेजर. ओके, यह तो है कॉर्ड शिफ्टिंग, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट चीज पर आते हैं, राइट, जहां पर हम फ्रेटबोर्ड को थोड़ा सा समझेंगे कि फ्रेटबोर्ड क्या है. ओके, फ्रेटबोर्ड को समझते हैं. इसको हम नेक भी कहते हैं इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है. शुरुआत की कुछ क्लास में हमने सीखा था कि इनके नाम है ई बी जी डी ए एन ई, राइट, ई बी जी डी ए ई, ये इन स्ट्रिंग्स के नाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स. ओके, अब अभी के लिए याद करने के लिए हमें एक चीज देखनी है. हमारे पास यस, तो एक चीज जो हम देख सकते हैं कि वो है, हमारे पास 7 नेचुरल नोट्स होते हैं, ठीक है, वो याद करना है अभी, ठीक है. क्यों होता है, क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, वो सब बाद में समझेंगे. बट अगर हम इसमें देखें तो 7 नेचुरल नोट्स हैं. 7 नेचुरल नोट्स क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी. ये समझ में आया, ये 7 नोट्स हैं आपके म्यूजिक में, इनको आप 7 नेचुरल नोट्स कहते हो, ठीक है. ये 7 अगेन, यह क्या होते हैं यह बाद में समझ पाओगे, अभी के लिए 7 नेचुरल नोट्स हैं ये. ओके, इसके बाद एक चीज हमें समझनी है, ये जो हैशटैग का साइन है इसे हम कहते हैं शार्प. ये हमने किया तो नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, इसे कहते हैं फ्लैट, जो बी के जैसे दिख रहा है इसे कहते हैं फ्लैट, हैशटैग की तरह दिख रहा है इसे कहते हैं शार्प. ओके, शार्प का मतलब होता है हाफ नोट अप और फ्लैट का मतलब होता है हाफ नोट डाउन, ठीक है. हाफ नोट मतलब, अभी के लिए बस याद कर लेना, डेफिनेशन की तरह याद कर लो इसे, कि शार्प मतलब क्या होता है, हाफ नोट अप, फ्लैट मतलब होता है हाफ नोट डाउन, करेक्ट. क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, वो सब बाद में करना है. ओके, इतना समझ में आया. देखो, उसके बाद ये 7 नोट्स में ए के बाद हाफ नोट अप क्या होगा, ए शार्प. ये समझ पा रहे हैं क्या, ए और बी के बीच का अगर कोई नोट है तो उसका नाम ए शार्प होगा. ये समझ सकते हैं, क्योंकि वो ए से आधा नोट ऊपर है, राइट. पर अगर इसको बी की नजर से देखें तो ये बी से आधा नोट नीचे भी तो है, राइट. तो इसे हम बी फ्लैट भी कह सकते हैं. यह समझ में आया, तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि ए शार्प बी फ्लैट के बराबर है. ये क्लियर हुआ, राइट. बी और सी के शार्प, बी और सी के बीच में कोई नोट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है वो बाद में समझेंगे, अभी के लिए नहीं होता है. सी और डी के बीच में जो नोट होगा उसका क्या नाम होगा, सी के टर्म्स में सी शार्प, या फिर डी फ्लैट. डी और ई के बीच में क्या नोट होगा, डी शार्प और ई फ्लैट, या फिर ई फ्लैट. ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं होता है. एफ और जी के बीच में क्या नोट होगा, एफ शार्प, या फिर फ्लैट, जी फ्लैट. जी और ए के बीच में कौन सा नोट होगा, जी शार्प, जी शार्प, या फिर ए फ्लैट. ये समझ में आया. तो टोटल नोट्स अगर हम काउंट करें, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 एंड 12, ये 12 नोट्स हमें मिल गए हैं, ठीक है। ये 12 नोट साइकिल आपको याद करनी है, ओके। 12 नोट्स दिख रहे हैं, ए ए शार्प, बी सी सी शार्प, डी ई डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प और ए, ठीक है। ये बेसिकली ए से जी तक के अल्फाबेट सीधे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, सभी के शार्प ऐड करने हैं, सिर्फ बी और ई के शार्प ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। इस ट्रिक से हम इसे याद रख सकते हैं, सिर्फ बी और ई के शार्प नहीं होते हैं, बाकी सभी के शार्प होते हैं। ये सब बाद में समझेंगे कि क्यों बी का शार्प नहीं होता है, यू नो, बाद में जब थियोरी में और डीप हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि बी का शार्प भी होता है, ओके, ई का शार्प भी होता है, पर अभी के लिए नहीं होता है। इतना समझ में आ गया। 12 नोट्स क्या हैं हमारे, ए ए शार्प, बी सी सी शार्प, डी ई डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, बैक टू ए। ये समझ में आया, ठीक है। शार्प वाला याद कर रहे हैं हम, फ्लैट वाला याद नहीं कर रहे हैं कि ए बी फ्लैट, सी डी फ्लैट, डी, राइट, इस तरह से याद नहीं कर रहे हैं। पर यस, अगर कभी हमसे कोई पूछे कि डी फ्लैट क्या होता है, सी शार्प होता है, डी फ्लैट सी शार्प होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ओके। अगर मैं बोलूँ एफ शार्प क्या होता है तो पता होना चाहिए कि वो जी फ्लैट होता है, यानी एफ से आधा नोट ऊपर और जी से आधा नोट नीचे, दोनों बराबर ही हैं। यह समझ में आया, ओके। इसके बाद देखते हैं, ये साइकिल ध्यान में रख के, ठीक है, अगर ये साइकिल ध्यान में रहे हमें, ए ए शार्प, बी सी सी शार्प, ये नोट्स ध्यान में रहे, तो इसके बाद हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये गिटार है, यू नो, ये गिटार की फर्स्ट स्ट्रिंग है ई बी जी डी ए ई, ये आपकी सिक्स स्ट्रिंग्स हैं गिटार में, राइट। अब देखते हैं, यस, देखते हैं, ये जो नोट है इसका नाम ई है, ओके, तो इस नोट का नाम क्या होगा, एफ। अब वो 12 नोट्स के अकॉर्डिंग पूरा गिटार डिवाइडेड है, समझ में आया। ई के बाद क्या आता है, अगर हम अपनी साइकिल में देखें ई के बाद क्या आता है, तो हमें पता चलेगा ई के बाद एफ आता है, ठीक है ना। तो ई के बाद एफ आता है, तो इस नोट का नाम, फर्स्ट नोट का नाम एफ है, ये समझ पाए, इसका नाम एफ है, इसका नाम एफ शार्प है, ये समझ में आया। नेक्स्ट नोट एफ शार्प है, उसके बाद नेक्स्ट नोट क्या होगा, जी, ये जी शार्प, ए ए शार्प, बी सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई। देखो ये 12th में ई रिपीट हो चुका है, और रिपीट होना ही था क्योंकि 12 ही तो नोट्स हैं हमारे पास, तो ये ई था, ये भी ई है, साउंड डिफरेंट कर रहा है बट नाम इसका ई ही है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, पर उन सारे क्वेश्चंस को अलग रख के अभी जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ वो याद कर लेना है, ठीक है। ये ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई, देन रिपीट होगा, एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी, ठीक है, रिपीट होता जाएगा, ये समझ में आया। उसी तरह से सेकंड स्ट्रिंग ओपन होता है बी, तो फर्स्ट फ्रेट का क्या नाम होगा सेकंड स्ट्रिंग में, बी के बाद आता है सी, नहीं क्योंकि बी का साफ नहीं होता, ओके। सेकंड फ्रेट होगा सी शार्प, थर्ड फ्रेट होगा डी, फोर्थ फ्रेट होगा डी शार्प, क्या ये समझ में आ रहा है, बी सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी। देखो 12th फ्रेट फिर से बी हो गया, ये समझ में आया, क्योंकि 12 ही तो नोट्स हैं, उन्होंने रिपीट ही होना है खुद को, ठीक है। सिमिलरली जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी सी सी शार्प, डी डी शार्प, राइट, यानी कि जो स्ट्रिंग्स के नाम है वहां से उस साइकिल को चला देना है। तो यानी कि अब मैं अगर पूछूं कि टॉप स्ट्रिंग 5th फ्रेट का क्या नाम है, तो हम ये बता सकते हैं कैसे, टॉप स्ट्रिंग पता होनी चाहिए, टॉप स्ट्रिंग क्या होती है, ई, फर्स्ट फ्रेट होगा एफ, एफ शार्प, जी जी शार्प, ए, ठीक है, और वो साइकिल याद होनी चाहिए, तो हम बता सकते हैं, समझ में आया, ओके, नाइस। तो ये तो था फ्रेटबोर्ड को समझना कि फ्रेटबोर्ड क्या होता है, ओके, एंड हम उसे यू नो फ्रेटबोर्ड के नोट्स कैसे पता कर सकते हैं, 12 नोट साइकिल्स को याद करके, ठीक है। हम फ्रेटबोर्ड में अगर मैं पूछूं इस नोट का क्या नाम है, वो हम इजीली बता सकते हैं अगर हमें 12 नोट्स पता हों तो, समझ में आया।
दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें ये सारे नोट्स याद करने हैं कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये सी है, ये ई है, ये बी है, राइट, ये ए है, ये जी है, तो क्या ये हमको सारा याद करना है? अभी नहीं, ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ इसको याद करने के ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अगर अभी मेरे से कोई भी फ्रेट तुम पूछोगे तो मुझे वो फ्रेट पता है उसका नाम क्या है, ठीक, क्योंकि कुछ कुछ ट्रिक्स हैं याद करने की, राइट। ऐसे ही सिर्फ ऐसे ही याद नहीं करना है और ना ही कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, हो ही नहीं सकता इतने सारे नोट्स को याद करना, एग्जैक्ट पोजिशन उनका, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है वो, पर याद करने के कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स हम लोग बाद में देखेंगे क्या ट्रिक्स हैं, ओके, समझ में आया फ्रेटबोर्ड? यस। यानी कि इस वीक का होमवर्क है कॉर्ड शिफ्टिंग, ई माइनर जी मेजर, ई माइनर जी मेजर, बार बार, ओके, अगेन ई माइनर डी मेजर, ई माइनर डी मेजर, ये समझ में आया? दूसरा होमवर्क है जो सारे सॉन्ग्स मैंने आपको दिए थे लास्ट टाइम, यू नो, जो जो सॉन्ग्स हमने सीखे हैं, हैप्पी बर्थडे और ये सारे जितने भी सॉन्ग सीखे हैं, उन सारे सॉन्ग्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और सारे सॉन्ग की एक छोटी छोटी वीडियो बनानी है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे प्ले करते हुए एक वीडियो, ट्विंकल ट्विंकल है तो एक वीडियो, अच्युतम केशवम सीखा हमने, ओके, जिंगल बेल्स, तो ये तीन सॉन्ग्स की एक एक वीडियो बनानी है, ठीक है, ये हमारा टास्क रहेगा इस वीक का। दूसरा टास्क है ये शिफ्टिंग को सीखना, समझ में आया? फिंगर्स बहुत वीक लग रही हैं क्योंकि वो फिंगर एक्सरसाइज नहीं करी है, ठीक है, तो फिंगर एक्सरसाइज करना है और पेन होना चाहिए फिंगर्स में, तब जाके ये पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन दिमाग में है जो पूछना है? कैसे प्ले करने में? वो प्रेशर है, प्रेशर अगर हम पूरा अच्छे से नहीं देंगे तो वो ऐसी आवाज आएगी, ये आवाज आ रही है, है ना? इसका रीजन है प्रेस नहीं किया है अच्छे से। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत कॉमन मिस्टेक भी होती है कि वो ये हो रहा है क्योंकि वो प्रेशर नहीं है। प्रेशर हमको हमेशा रखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आरती रेगुलर रहेगी अपने प्रैक्टिस के साथ, एंड ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। इस वीक अच्छे से प्रैक्टिस करना, यू नो, अभी क्लास खत्म होने के बाद फिर से थोड़ा सा फिंगर एक्सरसाइज करना, कुछ भी कर रहे हैं, अगर घर पे फ़ोन कर रहे हैं, यू नो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो फिंगर एक्सरसाइज तो हम कर सकते हैं हमेशा, है ना। मल्टीटास्किंग में लाना पड़ेगा गिटार को, ठीक है, क्योंकि एक अलोन टाइम नहीं मिल पाएगा इसके साथ, है ना, जहाँ पर आप सिर्फ गिटार कर रहे हो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम कोई यू नो वीडियोस देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसमें पूरा फोकस नहीं चाहिए और जिसमें हाथ फ्री हैं, उसमें आप गिटार प्ले कर लो, ठीक है, ओके। तो हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, देखते हैं कितना प्रैक्टिस हो पाता है नेक्स्ट वीक तक, राइट, ओके। तो ये था वीक 7, आप लोग इस जर्नी को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू, बाय।